भदोही के बाहुबली नेता विजय मिश्रा जेल में है। उन पर उनके ही परिवार के लोगों ने उनकी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा की खोज उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ कर रही है। वहीं इस केस में उनके बेटे विष्णु मिश्रा को भी पार्टी बनाया गया था, हालांकि उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं इस मामले में विष्णु मिश्रा का कहना है कि असली पीड़ित वो है, फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है, उन्होंने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की है। विष्णु मिश्रा सामने आए और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है। सुनिए विष्णु मिश्रा क्या कह रहे हैं और किस तरह से अपने पक्ष में सफाई दे रहे हैं। मोहन तिवारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो उसके अकेले मालिक हैं। हमने उनके फर्म को, इन्होंने 400 करोड़ की ठेकेदारी करी, जिसमें लगभग जितने की जरूरत होगी उतने की सफेद गिट्टी, उतने की काली गिट्टी, उतने का क्या कहते हैं जॉब वर्क और कहिए लेबर, ये सारी चीज़ें उनको सारे ठेके कंप्लीट करने में हमने मदद किया। और तो और वो सारे प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी के लिए जो पैसा 5% लगता है उसको हमने अपना दिल्ली का मकान वो गिरवी रखकर अपने किराए को रेंटल एडवांस लेकर सारे के सारे कागज और दस्तावेज हमारे हैं। यदि हम वो फाइनेंस ना करते इनको वो ठेके उस तरीके से ना मिल सकते। बात इनकी ही नहीं, शायद भदोही क्षेत्र में उस पर कोई भी ठेकेदार इतने बड़े के रोड नहीं लेना चाह रहा था, उस तरीके के रेट या फायदा नहीं था। ये बात इनकी बेबुनियाद है कि हम इनके फर्म को टेक ओवर करना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे कॉमर्स में हमारे 10वीं क्लास में 99 आए थे। सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंसान से शुरू होता है और एक इंसान तक ही ख़त्म हो जाता। देर इज़ नो लीगल वे टू ओवरटेक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो अब उसमें आती है बात कि भाई जो इन्होंने और ज़बरदस्ती और बातें कही हैं, हमारा इनसे ये सवाल है, इन्होंने कहा कि हमारा विभिन्न जगह रजिस्ट्रेशन हुआ, विभिन्न जगह रजिस्ट्रेशन हुआ और एक सेकंड को मान भी लिया कि हमने टेक ओवर कर दिया है या कर रहे हैं हम। आपने किसी भी विभाग को कोई भी चिट्ठी बोली, किसी भी जेई, किसी भी एक्सीएन, किसी को भी कोई शिकायत पत्र दी, क्योंकि भुगतान तो वहीं से आना था। और क्या कहते हैं कि अगर हमने टेक ओवर कर लिया और टैक्स ना पे करते तो सरकार तो आपको ढूंढती। ये चिंता आपकी आज की क्यों? आज जब 32 करोड़ रुपया आपको हमारे कंपनियों का देना है, आज ये चिंता कैसे बनी? 19 साल तक ये चिंता क्यों नहीं थी? तो इतने विभाग में गए और ये ठेकेदार हैं, इनको हम ही नहीं पूरा मतलब प्रदेश जानता है कि कौन ठेकेदार। छात्र शक्ति के साथ कार्य शुरू किए थे, तो एक हमारी माता एमएलसी मिर्जापुर सोनभद्र है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए। बालू सोनभद्र का लाल है, हम वहाँ नहीं टेक ओवर कर लिए, हमको देखा ही नहीं गया। हाँ, इससे पहले हमारे ऊपर कौन सा आपराधिक मामला है जरा ये बता दीजिए, बताइए। चेक का मामला इन्होंने हाल ही में 30 जून का हिसाब फाइनल करने की, पैसे की बात तो हर मार्च में क्लोजिंग में होती ही है ठेकेदार की, और वो पेमेंट हर साल ही अपना कर रहे थे। इस साल मार्च में कोरोना हो गया और क्या कहते हैं इनके कुछ रोटे उखड़ गई, उसमें इन्होंने कहा कि भाई कि थोड़ा वो समय की किया जो भी लगेगा। हमने कहा कि भाई कौन, हम तो भाई पूरा समर्थन करेंगे ही, खासकर अगर किसी के पास हमारा 32 करोड़ है तो हम उसकी कौन सी बात नहीं सुनेंगे। मानसिक दबाव में हम थे इनसे, आप समझ गए, क्योंकि भाई हमारा पैसा आपके पास है तो हम आपके दबाव में, आप मेरे दबाव में नहीं, आप तो लेकर चल दिए। हमने 3 बैंक में लगाए हैं और उनकी वैल्यू 27 करोड़ है। 2 और हमने लगाया था, वो हमारे SBFC बैंक में लगा, तो जैसे कि अभी आज छुट्टी हुई थी, वो इनका स्टेट बैंक का चेक था, वो 3 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, हमें कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।